कई सियासी और पारिवारिक मुश्किलों से घिरे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय नई मुश्किल बन गई। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने पूरे परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप से तलाक लेने के मामले में लंबी चुप्पी के बाद ऐश्वर्या ने अपनी खामोशी तोड़ी है। ऐश्वर्या ने न सिर्फ पति तेज प्रताप यादव पर गंभीर और अजीबोगरीब आरोप लगाए हैं, बल्कि अपनी सास राबड़ी देवी पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें राबड़ी देवी के सरकारी बंगले में कैद किया गया है, जहां उन्हें ना तो ठीक से खाना दिया जा रहा है और ना ही किसी से बातचीत या मिलने की अनुमति दी जा रही है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पौत्री और आरजेडी विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तेज प्रताप यादव गांजा पीने के आदी है और गांजे के नशे में कुछ भी करते हैं। कभी खुद को कृष्ण तो कभी राधा कहते हैं। कोर्ट में दिए गए आवेदन में ऐश्वर्या राय ने कहा कि उन्हें उस समय हैरानी हुई जब उन्हें पता लगा कि तेज प्रताप यादव देवी देवताओं के जैसे कपड़े पहनते हैं, और एक दिन तेज ने गांजे के नशे में राधा जैसे कपड़े, घाघरा और चोली पहनकर उन्होंने मेकअप और विग भी लगा ली। आगे ऐश्वर्या ने बताया कि एक दिन उन्होंने जब तेज प्रताप से कहा कि वो गांजा पीने और महिलाओं की तरह के कपड़े पहनना बंद कर दें, तो इस पर तेज प्रताप का जवाब था कि गांजा तो भोले बाबा का प्रसाद है, उसको कैसे मना करें, और महिलाओं की तरह कपड़े पहनने पर कहा कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण। साथ ही ऐश्वर्या राय का आरोप है कि तेज प्रताप हमेशा उनकी पढ़ाई लिखाई पर तंज कसते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, तुम्हारी नियति में खाना बनाना और परिवार बनाना है। दरअसल ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए मांग की है कि अदालत लालू यादव के परिवार को आदेश दे कि उन्हें तंग नहीं किया जाए। साथ ही ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी के सरकारी बंगले यानी उनके घर में अलग किचन और स्टाफ के साथ पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के लिए पटना की फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शादी के 6 महीने के अंदर ही तलाक की इस अर्जी के दाखिल होते ही सनसनी फैल गई थी। न्यूज डेस्क।